डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन कम ही मिलती है, कन्फ्यूजन ज़्यादा मिलती है। तो बंदा कन्फ्यूज़ होके आ जाता है जब वो दो तीन जगह चेक करा रहा हो कि किसकी माने किसकी ना माने। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर देन देखते हैं पहला दिन है कितने दिन कंटिन्यू रहते हैं। और क्या नाम लेते हैं भाई, आप तेज चले, मेरे मुंह पे कैमरा रख रहे हैं आपने, मैं स्लो गया हूँ। चले चले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? तो अच्छा व्यूअर्स, अभी जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसकी MRI रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर को चेक करानी है, तो चलते हैं जाके उसकी MRI जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर को चेक करवाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, एक आप लोगों को मैं सजेशन देता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने MRI की रिपोर्ट करवानी है तो कोशिश करें कि वो वन टाइम करवाएं, ठीक है? क्योंकि उसका मसला बना है, उसने जब MRI की वो दो तीन दफ़ा मशीन के अंदर गया है तो उसका एकदम अचानक जो है ना पीछे बैक साइड पे ना एकदम पेन उठी है। तो खैर बाकी वो आता है, फिर तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। ये बंदा है व्यूवर्स जिसकी MRI रिपोर्ट चेक करानी है डॉक्टर साहब को, ये वाली रिपोर्ट। आपका मास्क है? मास्क जरूरी है, अस्पताल में आप जा रहे हैं, आपको अंदर जाने नहीं देंगे। चलो मास्क पहनते हैं फिर। मास्क जरूरी है क्योंकि फिर SOPs के मामला होने लग पड़े हैं दोबारा से। सीरीचर के दाएं हाथ कैसे? जी सीरीचर के दाएं हाथ, ये अच्छा उस सामने बैक कैमरा। तो उसको चेक करवाना है तो उसके लिए जा रहे हैं। MRI की MIR डॉक्टर ने लिख के दी थी वो करवा रही है, अब डॉक्टर को चेक करवानी है MRI की रिपोर्ट की, उसमें कोई मसला तो नहीं है, तो उसके लिए पर्ची बनवाने जा रहे हैं। पर्ची बनाने के बाद डॉक्टर को चेक करवाएंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। फर्स्ट डे है मेरा भाई का, तो जो काफ़ी दिन से आ रहे हैं। मैं कंटिन्यूसली आता हूँ, लेकिन इसका जो है फर्स्ट डे है, क्योंकि मैं तो मुझे तकरीबन महीना डेढ़ दो महीने हो गया मैं आ रहा हूँ भाई। लेकिन आखिरकार मैं आज सुबह उठ गया हूँ, इन्होंने बहुत फ़ोन करके उठाया इसको। गाइस इसको लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि इसको डॉक्टर ने जो है रिकमेंड किया कि आपने सुबह की वॉक रात नहीं करनी है। वेट रिड्यूस करेगा जो उसका शोल्डर का प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वैसे डॉक्टर ने जो चीज़ बताई है ना वो उन्होंने कुछ और ही बताया है, लेकिन सबसे पहले जिसका स्टेप है वो ये है कि पहले वॉक करेगा, ये ठीक है। वेट लूज़ करते हैं फिर देखते हैं कि क्या करना है शोल्डर का। हाँ, वेट लूज़ करने के बाद अगर तो फ़र्क पड़ा तो देन ओके, किसी मेडिकेशन वाली साइड पे नहीं जाएंगे, किसी ऑपरेशन वाली साइड पे नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि आई होप कि इसका वेट लूज़ होने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन कम ही मिलती है, कन्फ्यूजन ज़्यादा मिलती है। तो बंदा कन्फ्यूज़ होके आ जाता है जब वो दो तीन जगह चेक करा रहा हो कि किसकी माने किसकी ना माने। तो लिहाजा पहला जो उनसे सबकी एक बात थी कि वज़न कम करें, तो उनकी एक ही बात को मान लिया कि वज़न कम करें, तो अब वज़न कम करने निकल आए हैं। भाई ने सुबह ज़बरदस्ती उठाया है और अब ग्राउंड में आए थे लेकिन पानी था तो बाहर आउटसाइड वॉक पे निकल पड़े हैं। तो अब देखें कहाँ तक जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अगर गिर गए तो यही भाई उठा के लाएंगे। मैं नहीं उठाऊँगा। ये उठा के लाएंगे पता चले मैं ये उठाने के चक्कर में मेरा काम तमाम हो गया। पता लगे अभी मैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे इधर भाग पे आया हूँ और ये मुझे उठाने के बाद डॉक्टर के पास चल जाए। देखते हैं पहला दिन है कितने दिन कंटिन्यू रहते हैं। और क्या नाम लेते हैं भाई, आप तेज चले, मेरे मुंह पे कैमरा रख रहे हैं आपने, मैं स्लो गया हूँ। चले चले। मुझे एक चीज़ बताकर डॉक्टर के पास गए थे, मैं भी साथ बैठा हुआ था, तो जो चीज़ वो बता रहा था ऑपरेट के बारे में तो ज़रा ऑडियंस को बता। वो जनाब MRI भी हमारी हो चुकी है, ठीक है, माइनर सा इशू है डिसलोकेशन का, रोटेटर कफ भी जिसे कहते हैं, तो उन्होंने सजेस्ट सर्जरी की है,
जो सीनियर डॉक्टर था उसने कहा एनकोड स्विचर कोई होते हैं वो इंसर्ट करेंगे बोन के अंदर और बोन और मसल को कनेक्ट करके स्टिच करके बांध के मुझे दे देंगे, 3-4 माह बेड रेस्ट होगा मुकम्मल। तो इस चीज़ को मैं नहीं करवाना चाह रहा। तो जो उन्होंने बीच में बात की थी वेट लूज की, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है, उसके बाद देखते हैं बाकी अल्लाह खैर करे। तो उन्होंने ऑपरेशन के साथ साथ बताया कि आपका वेट लूज भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऑपरेशन वाली साइड पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है कि पता नहीं आया कि वो क्या होता है बाद में क्या नहीं, फिर बेड रेस्ट लिख के बता देते हैं वो, ठीक है। तो हाँ। बंदा फिर लंबे अरसे के लिए ना बेड पे पड़ा रह जाता है, तो फिर उसके बाद गारंटी नहीं, उन्होंने तो करके आपको दे दे रहा कि जाओ जी हो गया, लिहाजा पहले वेट लूज कर लिया जाए और फिर देखा जाए कि क्या कहती है बॉडी। बड़ा अच्छा, एक चीज़ और जब वो MRI की रिपोर्ट उन्होंने की आपकी, और तूने बताया कि 3 टाइम उन्होंने मुझे ना पहले एक दफ़ा अंदर डाला तो वो ठीक नहीं आई, रिपोर्ट हुई नहीं उनसे, ठीक है, फिर दोबारा उन्होंने निकाला, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा डाला। MRI मशीन जो है ना वो थोड़ी कंजस्टेड थी पहली जो थी, ठीक है, 2 मशीनों में मैंने एक्सपीरियंस किया MRI के लिए। तो पहली मशीन में तो जब मैं फर्स्ट टाइम लेटा तो मैं खुद हिल रहा था क्योंकि अनकम्फर्टेबल था थोड़ा सा, तो जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत हिल रहा था। और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा ट्राई उन्होंने 2 घंटे बाद दोबारा ली तो मेरे से मैं हिला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी आप हिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे शोल्डर को ना वो बांधा हुआ था इधर, एक वो स्कैनिंग के लिए ना इमेज लेने के लिए एक कह लें क्या शोल्डर एक बांधा हुआ था, तो उसका बैंडेज पेट से बांधी हुई थी। मैंने सांस तो लेना था, वो मेरे सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था, तो कहते जी आपकी मूवमेंट हो रही है तो आप हिल रहे हैं। तो खैर फिर कुछ हफ्तों बाद, 1 हफ्ते बाद दोबारा से MRI की गई किसी दूसरी जगह। वो मशीन एक तो थोड़ी सी खुली थी, इतनी कंजस्टेड नहीं थी, तो वहाँ पर स्टाफ भी बड़ा अच्छा था, शौकत खानम हॉस्पिटल में जोहटा। तो अब वहाँ पर जब MRI हुई तो पहली गो में हो गई, लेकिन काफ़ी देर का 30 मिनट का प्रोसेस था तो वैसे ही बंदा थक जाता है। अच्छा मुझे ये बता कि जब MRI की रिपोर्ट हो गई है, ठीक है, उसके बाद फिजिकल कोई साइड इफेक्ट हुआ है उसकी MRI की रिपोर्ट की वजह से? फिजिकल हुआ है। फिजिकल क्या हुआ है उसमें? जनाब जब वहाँ से तो सही निकले हैं, लेकिन मैग्नेटिक रेज जो होती हैं वो आपको जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट करती हैं, ठीक है, MRI का कुछ ना कुछ इफेक्ट है। जब मैं आधा रास्ता यानी वहाँ से निकला हूँ, MRI करवा के सही निकला हूँ, खाना शाना खा के वहाँ पे निकले हैं, मेरे साथ मेरे कोलीग थे मोहम्मद फ़ारूक साहब, उनके साथ मैं निकला हूँ, तो जब निकले हैं तो मेरी कमर में शदीद पेन स्टार्ट होगी, लेफ़्ट साइड पे कमर में नीचे स्वेलिंग हो गई थी, तो जिस वजह से काफ़ी वो फिर मेडिकेशन ली गई तो जाके सही हुई, वरना कमर बिल्कुल साथ लग रही थी, साथ नहीं लग रही थी। तो जो उसका जो साइड इफेक्ट हुआ है आपकी बॉडी के ऊपर जो पेन स्टार्ट हुई है, तो वो कितने टाइम के बाद जो है नॉर्मल रूटीन में आप आ गए हैं? 1 दिन तो उससे मैंने पेन को ही फील किया, उसके 1 दिन के बाद फिर उसकी हो गई थी, खुद ही रिलैक्स हो गया था मेडिकेशन के बाद। वो उन्होंने जो डिसलोकेट हो जाता है, 3 डिवाइस उन्होंने बताई है, 3 डिवाइस लाइक स्क्रू टाइप होता है वो, आपको उसके डिवाइस का नाम क्या बताया? इनकोड स्विचर उसका ऐसे कुछ है, इनकोड स्विचर। तो वो जब आप 3 पेज होते हैं, ठीक है, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट और एक सेंटर पे वो फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका शोल्डर जो है उसको सपोर्ट मिली रहती है और आप नॉर्मल लाइफ गुजारने लग पड़ते हैं आफ्टर कपल ऑफ मंथ, ठीक है। लेकिन खैर वो एक लंबा पीरियड है, उसकी साइड पे नहीं जा रहे हम लोग। सबसे पहले जो है ये अपनी वॉक करेगा, वॉक के बाद जैसे इसका वेट रिड्यूस होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर देन तो उसके बाद भी अगर अल्लाह ना करे देन अगर इसको भी वो पेन पून का भी मसला पड़ता है तो अच्छा ये बताइए कि जब वज़न वज़न उठाता है, वेट उठाता है, उसके बाद ये बाजू निकलता है ना,
वेट मैं उठा लेता हूँ, यानी कोई काम करना है घर का या कोई शिफ्टिंग का, उठा लिया जाता है किसी एक एंगल पे आके वो डिसलोकेट हो जाता है और वो जान निकाल देता है। तो अगर नहीं होएगा तो नहीं होता। तो ये एक मंथ में कितनी दफ़ा इस तरह हो चुका है? साल में एक दफ़ा होता है। ये मैं गिरा था 2016 में, अब 2021 है। सही, वो भी एंड है। यानी कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21 यानी कि ये पांचवा साल जो है चल रहा है, 5 साल से लगातार ये मसला था के साथ। तो यानी वे चलो अच्छा गाइस, एक चीज़ और जो MRI के बारे में जो बात हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि MRI करवाओ, कम अज कम करवाओ, और अगर बहुत सख्त मजबूरी है MRI करवाना, क्योंकि इसमें ये MRI करवानी आपको ऑपरेट सजेस्ट हो तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से होता है, लेकिन MRI मैंने खुद साख्ता तौर पे जानने के लिए कि कितना मसला है मैंने करवाई है, यानी डॉक्टर से रिकमेंड करवा के करवाई है लेकिन अपनी ख्वाहिश पर। दरअसल MRI होती है लास्ट पर, जब आपका कोई सर्जरी या प्लान हो जाता है उस टाइम पे होती है। और गाइस अगर तो MRI डॉक्टर को जब बताया ना इस पेन के बारे में, इसकी पेन के बारे में कि MRI के बाद जो है ना ये पेन स्टार्ट हुई है, एक दो दिन तक ये पेन इसकी कमर में पीछे बैक साइड पे ये पेन स्टार्ट हुई है और एक दो दिन तक ये पेन चलती रही है, तो डॉक्टर ने ये बताया, कहता है वो MRI की जो उसकी रेजेज होते हैं ना जो निकलते हैं लाइट, उसकी वजह से ये बॉडी पे साइड इफेक्ट थोड़ा सा डालते हैं। लेकिन उसने इसके साथ एक चीज़ ये भी बताई है कि अगर ये कोई प्रेग्नेंट औरत की अगर ये उसको अंदर अगर मशीन के अंदर डालते हैं ना, तो खुदा ना खास्ता 100 में से 90% चांस होते हैं बेबी मिसकैरेज होने का, डिसॉल्व हो जाती है, बेबी डिसॉल्व हो जाती है अगर आप किसी हमरा लेडीज़ को अगर आप उसको मशीन के अंदर डालते हैं जो प्रेगनेंसी के प्रोसेस में है, उनके लिए तो MRI बहुत ही सख्त है, जानलेवा है उनके लिए। MRI करने से पहले पूछ भी लेते हैं, कोई 30-40 सवाल होते हैं जो वन बाय वन कंटिन्यूसली में पूछते हैं। व्यूवर्स अगर तो वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।